हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय बजरंग कोचिंग। कल हम लोग विद्युत रसायन जो चैप्टर है उसका डेनियल सेल देख चुके हैं थोड़ा बहुत। मतलब इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे डेनियल सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होता है। ये एक होगा जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या हो जाएगा, कापर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल देख चुके हैं। अब आज हम इसके आगे देखेंगे। देखिए क्या है कि डेनियल सेल आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि अगर इसको समझे रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम पूरी तरह नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है डेनियल सेल में, अब करेंगे क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे। ठीक है, और बीच में क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करता क्या है कि ये विद्युत धारा का माप करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करता क्या है, विद्युत धारा का माप करता है। ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर की स्थिति ये होती कि एकदम हल्का सा भी अगर थोड़ा सा भी फ्लो होगा ये तुरंत माप लेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, अब होता क्या है, देखिए अब जैसे थे, जैसे हमारा अब बायो में अगर पढ़ेंगे तो हृदय, हम लोगों का जो शरीर होता है ये दोहरा परिसंचरण का होता है, रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है ना। अब देखिए क्या है, एक साइड से तो आपका जा रहा है, ठीक है, इधर से क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक साइड जुड़ गया। अब इस सर्किट अभी पूरी नहीं हुई है, अब इस सर्किट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लवण सेतु बनाएंगे जो इधर से जाएगा और इधर से क्या होगा, क्लियर रहेगा रास्ता। ठीक है, एक लवण सेतु का भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, लवण सेतु। ठीक है, और लवण सेतु होता क्या है, देखिए ये जो भाग हो गया, ये एक मिनट हो गया, यहाँ पर होता है KCl और कई भी लवण मिलाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो है एक अगर जेल, अगर जेल लगा होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर बंद होता है। ठीक है, यानी KCl को किसी दिशा में फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, अब ये आपकी सर्किट जो है यानी डेनियल सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए आपको हम एक चीज़ कल बताए थे कि जो ज़्यादा क्रियाशील होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, बताया था ना। जैसे क्या है, यहाँ पर देखिए ZN जो है ज़्यादा क्रियाशील है तो ZN का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ZN का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में आप लोगों को एक चीज़ बताए थे कि जब भी ऑक्सीकरण होता है तो क्या होगा, ZN जो रहेगा ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ZN क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब ये क्या करेगा, देखिए होता क्या है, जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बता देना, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, निकलना। जब इलेक्ट्रॉन छड़ पर मुक्त होगा तो होगा क्या कि ZN2+ जो है इस विलयन में आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्षण पर मुक्त और ZN क्या होगा, विलयन में, यानी ZnSO4 के विलयन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए ऑक्सीकरण जब होगा तो ZN सॉलिड से ZN एक्वा, विलयन में आ रहा है ना, जलीय विलयन है तो एक्वा हो जाएगा। ठीक है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या है कि जो ये प्लस चार्ज है यानी ZN2+ है, ये विलयन में आ गया तो क्षण पर क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो क्षण जो है विलयन के सापेक्ष निगेटिव हो जाएगा। भाई आपको ये बताया ना, लोन वाला लोन कॉन्सेप्ट, बाएं तरफ लेफ्ट, यल से लेफ्ट बाएं तरफ। ठीक है, निगेटिव
यन से निगेटिव, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस पर आकर इकट्ठा हो गए और क्या कहते हैं जेड एन टू प्लस विलयन में चला गया, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं एनोड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इस पर इकट्ठा हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब होता क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी भाई, जैसे बहुत सदस्य बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कमाने वमाने जाएंगे कि नहीं कमाने जाएंगे, जाएंगे कि नहीं भाई, कहाँ से थोड़े, अब ज़्यादा संख्या हुई तो झगड़ा करी है, अब झगड़ा करी है तो कुल क्या करते हैं, फिर अपनी जहाँ मिलत जाता गति वहाँ पहुँच जाते हैं, जाते जाते यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ आने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस ये टूटने लगता है, ठीक है। अब इस पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो सिंपल सी बात Cu2 प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, सिंपल बात ये आयन है इलेक्ट्रॉन, ये इससे ज़्यादा फ्री है, इससे ज़्यादा फ्री है तो क्या करेगा, Cu2 प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो Cu2 प्लस क्या करता है, इस पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Cu2 प्लस क्या करता है, इस पर इकट्ठा होने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा होगा तो इसकी क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान चारों तरफ इकट्ठा होते जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया है, यहाँ से आपका कॉपर मिल गया, दोनों मिलकर क्या बना दिए, Cu2 प्लस से क्या बना देंगे, Cu बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर Cu यहाँ से क्या करेगा, जाएगा Cu2 प्लस यहाँ से इस पर इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। जब इकट्ठा होगा तो मात्रा बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तब क्या होगा, जब यहाँ पर Cu2 प्लस इस रॉड पे जाएगा और यहाँ से क्या होगा, JDN जो है विलयन में जाएगा, यही हो रहा है ना, JDN विलयन में जा रहा है, Cu क्या, Cu2 प्लस क्या कर रहा है, रॉड पे जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए रॉड जो है मोटी होती जाएगी, ठीक है, रॉड क्या करेगा, मोटा होता जाएगा, और सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या होगा, रॉड पतला होता जाएगा भाई, सिंपल बात, JDN अब इलेक्ट्रॉन चला गया, जो धनायन है वो क्या करेगा, विलयन में चला गया, तो वहाँ से बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो क्या करेगा, वहाँ पर रॉड यहाँ पर पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ रॉड क्या होगा, मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, क्यों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई थी, यहाँ पर सॉरी 2+ होगा ना, मैं भूल गया था, JDN सॉलिड से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, ऑक्सीकरण जब होता तो क्या होता, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस है ही, और क्या करेगा, इसमें से ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या होगा, आपका Cu में चेंज हो जाएगा, यानी Cu क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अपचयन, क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस पर धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ पर जैसे ऋणायन की मात्रा बढ़ रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर धनायन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे कैथोड, क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, क्लियर। एक चीज़ है क्या, अब यहाँ पर ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो गई, यहाँ धनायन की मात्रा ज़्यादा हो गई, यहाँ रॉड पतली हो गई, यहाँ पर रॉड मोटी हो गई, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है, अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे विद्युत धारा, तो देखिए होता क्या है, जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उससे जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऋण से धन की ओर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्रिया होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी भाई, यहाँ पे JDN 2 प्लस यहाँ पे मिलता रहेगा, यहाँ पर Cu2 माइनस उधर जाता रहेगा, ठीक है, क्रिया होती रहेगी। अब सोचिए जैसे आपका घर है, आपका 10 कमरे का घर है, 5 कमरे जितने कमरे घर है, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन आपके घर की एक क्षमता है कि नहीं है,
ठीक है, आप उस क्षमता से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, जस्ट क्या कहते हैं वैसे ही यहाँ पर एक समय जैसे यहाँ पर Zn2+ की मात्रा बढ़ती जाएगी, यहाँ SO4 2- की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब एक ऐसी स्थिति आएगी कि सभी धनायन हैं, ये भी क्या है सभी ऋणायन बचे, यहाँ सभी धनायन बचे, यहाँ पर सभी ऋणायन बचे। और सिंपल इस बात जानते हैं आप लोग कि अगर समान जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा Zn एक दूसरे को Zn दूसरे Zn को क्या करेगा प्रतिकर्षित करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर SO4 2- क्या करेगा ये भी प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि यहाँ पर क्रिया ही इसकी भी क्रिया बंद हो जाएगी, इसकी भी क्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है भैया, हमको तो अपनी काम करना है, हमारा क्या कहते हैं सेल चलना चाहिए, हमको काम है, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है ना कि ये क्या करेगा, यहाँ पर SO4 की मात्रा बढ़ेगी, SO4- की 2- की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ Zn2+ की मात्रा बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो प्रतिकर्षित करेंगे, और यहाँ से जो आने की कोशिश करेगा उसको दुपड़ा के मार भगा देंगे भाई, सिंपल बात। आपका कपड़ा भर गया तो क्या कोनो बहाना मारेंगे नहीं कि नहीं भैया मत आवा, जगह ना हाँ, ठीक है। ये यहाँ पर वैसे क्या करेगा, ये भी कहेगा जगह नहीं, ये भी कहेगा जगह नहीं। अब होगा क्या, अब देखिए है क्या, यहाँ पर एंट्री होती है आपकी KCl की, ठीक है। K+ होता है, Cl- होता है। अब इधर देखिए माइनस वाला है तो ये क्या करेगा, ये जो है इसमें चला जाएगा ऐसे, इसमें चला जाएगा, ठीक है। और Cl जो माइनस है यहाँ पे चला जाएगा, Cl- इसमें चला जाएगा, K+ उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2+ चार्ज हैं तो यहाँ पर Cl- आके क्या बनाएगा, K2 SO4, क्योंकि 2- है, SO4 पर कितने माइनस हैं, 2- हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब Cl आएगा तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 यहाँ पर आकर के क्या बनाएगा, ZnCl2 बना देगा। अब सिंपल ये क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा, Zn2+ जोड़ेगा उसको, फिर ख़त्म करेगा यहाँ पर SO4 ये सब ख़त्म कर देगा। अब भाई संख्या इनकी कम हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी, जब संख्या कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर से क्रियाविधि स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है ना। तो क्या होगा, फिर से ऑक्सीकरण इधर शुरू हो जाएगा, उधर से अपचयन शुरू हो जाएगा, क्लियर। प्ले देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए डेनियल सेल है, डेनियल सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक Zn का इलेक्ट्रोड होता है, एक Cu यानी कि जिंक का एक इलेक्ट्रोड होता है, एक कापर का इलेक्ट्रोड होता है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कापर की तुलना में, इसलिए जिंक क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, और कापर क्या होता है अपचयन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑक्सीकरण होता है तो Zn2+ जो है इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करके अपने स्वयं विलयन में चला आता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इधर से चलकर आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे रॉड पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद क्या है कि यहाँ इस विलयन में से CuSO4 जो होता है, SO4 को छोड़ करके Cu जो होता है इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके रॉड पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस पर ऋणावेश की मात्रा होती है इसलिए इसको ऋणायन कहते हैं, और इसको एनोड के नाम से जानते हैं। इधर क्या होता है, धनावेश की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए इसको धनायन, और इसको कैथोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीकरण होता है तो सॉलिड से ये एक्वा में बदल जाता है, याद रखिए इस चीज़ को, ऑक्सीकरण जब भी होता है तो सॉलिड से एक्वा में बदल जाता है, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब अपचयन होता है एक्वा से सॉलिड में बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसको अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए है क्या, यहाँ से इस आधे भाग को, ठीक है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अर्धशील, क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अर्धशील, ठीक है। और यहां पर इसको कहते हैं, इस भाग को, इस आधे भाग को कहते हैं अपचयन अर्धशील,
भाई ये पूरा था, पूरा को हम दो भागों में आधा आधा करके बांट दिए, तो ये जो पहला आधा भाग है क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अर्धशील, और दूसरा आधा भाग क्या हो जाएगा, अपचयन अर्धशील होता है। ठीक है, चले देखे, ये आपकी जो क्रियाएं हुई थी, जडियन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया, और CU का जो होता है अपचयन होता है, इसको कहते हैं अपचयन अर्धअभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में काट दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, देखिए जेडियन सॉलिड क्या हो जाएगा, जेडियन सॉलिड प्लस CU टू प्लस एक्वा। ठीक है, जेडियन टू प्लस प्लस ये क्या है आपका, ये है सॉलिड। ठीक है, एक्वा प्लस CU सॉलिड। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये क्रियाविधि होगी। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर जेडियन में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं ये क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, जेडियन यानी कि जिंक का। ठीक है, और यहाँ पर CU का क्या होगा, अपचयन होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ करके वहाँ पर क्या हो जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है इसलिए इसका अपचयन होगा, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सेल निरूपण, सेल निरूपण क्या होता है, देखिए जिंक जो है, जिंक सॉलिड से किसने बदल रहा है, जिंक एक्वा में ये बदल रहा है ना। ठीक है, और ईस्ट साइड क्या था, ऋणावेश था, और इसको कहते हैं एनोड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लवण सेतु। ठीक है, ये लवण सेतु हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साइड क्या होगा, CU टू प्लस है, ये एक्वा है, किसमें बदल जाएगा, CU सॉलिड में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सेल निरूपण क्या है, मतलब बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 18-20 में से कभी पूछा है, मुझे याद नहीं, शायद 20 इसमें पूछा गया है, तो ये आपका डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेल निरूपण, कर लीजिए।